सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला गाइस आप वी एन ऐप में किसी वीडियो का प्रोजेक्ट फाइल कैसे बना सकते हो एंड गाइस आप उसे बना के गाइस शेयर कैसे कर सकते हो। और गाइस बहुतों के फोन में यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस आपको सारा कुछ वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आगे भी आपको इस टाइप वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि अभी के टाइम में जब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ इस टाइप की वीडियो अपलोड हुई नहीं है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक तो करना बनता है यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने वी एन ऐप को ओपन कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले ओपन, और गाइस मैंने ऐसे अभी के अभी बिल्कुल डाउनलोड किया है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड आपका पे थोड़ा सा ऐड देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे इसको स्किप कर देना है। तो ऐसे कर देंगे इसे स्किप। सो गाइस आप इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबका पे पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। वरना गाइस यहाँ से आप जो प्रोजेक्ट शेयर करोगे यहाँ से शेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइस आपको पहले प्रोफाइल बनानी है। तो उसके लिए आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला साइन इन वाला, दूसरा यहाँ पे साइन अप वाला। सो गाइस अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो गाइस आपको यहाँ पे साइन इन करना है, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है मतलब आप पहली बार यूज कर रहे हो तो गाइस आपको यहाँ पे साइन अप वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बस आपको यहाँ पे पहले अपना यूजर नेम डाल देना है सबसे ऊपर, और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पे साइन अप कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑटोमेटिक न्यू अकाउंट बन जाएगा। सो गाइस मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट है, ठीक है, तो मैं इसे साइन इन कर लूँगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और गाइस मैं इसे अपनी पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल चुका है, देन आप यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और यहाँ से कर देंगे इसे साइन इन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, आप पे देख सकते हो। तो बस अभी क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखो गाइस वो कैसे करना है और आपको क्या गलती नहीं करनी है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपका प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एलो कर देना है। तो यहाँ से एलो कर देंगे, देन गाइस आपको जाना है फोटो वाला ऑप्शन, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जाएंगे और गाइस फिलहाल मैं ऐसे अपने कोई तीन चार फोटो चूज कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे फोटो चूज हो चुके, देन आपको यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे हमारे फोटोज भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को फ्रेम सेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस आपका बहुत सारे फ्रेम मिल जाते हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो बस फिलहाल मैं ऐसे ये वाला चूज कर लूँगा, ठीक है, 9:60 वाला। और गाइस आपको लास्ट में जाना है एंड आपको भी वाट मार्क मिल जाता है, ठीक है, आपको उसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। और गाइस यहाँ पे एक साउंड और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो गाइस जैसे मैं ऐसे फिलहाल के लिए कोई एक साउंड देख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला चूज कर लूँगा और गाइस यहाँ पे कर देंगे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है बन के रेडी हो चुका है। सो सबसे पहले क्या करना है, देखो गाइस आप यहाँ पे पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी में। तो ऐसे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो गाइस पहले आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे हो चुका है सेव, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे कुछ भी टाइटल डाल देना है। तो जैसे मैं ऐसे अभी फिलहाल के लिए रील वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। देन आपको पे सेव टू एल्बम वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। तो बस यहाँ पे आपके बिल्कुल होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो बस अभी क्या करना, आपका पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा थ्री डॉट वाला, ठीक है, ये वाला। तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा शेयर प्रोजेक्ट वाला। तो बस देखो अगर आपके सामने पर शेयर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन नहीं आता है तो बस क्या करना है, आपको यहाँ से बैक कर देना है, पूरा फुल बैक कर देंगे एंड आपको यहाँ से अपने वी एन ऐप को रैम से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से कर देंगे इसे बाहर, ठीक है, इस टाइप से। देन आपको यहाँ से फिर से वी एन ऐप को ओपन करना है, ठीक है, एक और बार आपको ओपन करना है। तो बस ऐसे करेंगे ओपन, सो गाइस यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है। तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस दूसरी बारी में आपके सामने यहाँ पर शेयर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको बस शेयर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो गाइस सब बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो बस देखो अगर आप ऐसे जैसे डायरेक्ट कहीं पे शेयर करोगे ना अपने फ्रेंड के पास या फिर कहीं पे शेयर करोगे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टा पे कहीं भी शेयर करोगे तो बस वहाँ से वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव कर लेना है अपनी फाइल मैनेजर में, ठीक है। तो बस यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके यहाँ से फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपके फोन की फाइल होती हैं। देन आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस पहले आपको यहाँ पे अपने किसी फोल्डर में सेव कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे ये वाला फोल्डर देख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका पे पेस्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस आप यहाँ पे क्लिक करके ना इस टाइप से क्लिक करके सेंड वाला ऑप्शन क्लिक करके गाइस आप यहाँ पे अभी से कहीं भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, किसी के पास भी शेयर कर सकते हो, बहुत इजीली वहाँ से ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया, तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे
और गैस यहाँ पे डक्स वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो गैस यहाँ पे सबके फोन में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है। सो मेरे फोन में यहाँ पर इस टाइप का आ रहा है तो मैं इसे ओपन कर दूंगा। देन यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और गैस आपको यहाँ पे इम्पोर्ट टू VN, ठीक है, आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। सो गैस ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा ऑटोमेटिक आपके VN ऐप में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और गैस ये वाला प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आपके VN ऐप में ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो भी चुका है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पे इस टाइप से किसी वीडियो का प्रोजेक्ट बना के उसे अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली। सो गाइस अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट जरूर कर देना ताकि आगे भी आपको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। एंड गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो जल्द से इस पर क्लिक करो, जल्द से देखो।